ऐसा वो फाइक के दफ्तर फोन किया था मैंने, एचआर में बात हुई थी, कोई एक भी नेगेटिव बात नहीं की उन्होंने उसके बारे में। मैं तो बहुत इम्प्रेस हुई हूँ फैमिली से। हाँ, साफ सुथरा घर था और छोटी सी फैमिली है। अजीब खेल है किस्मत के फारुख मियाँ, क्या गोरखधंधा है समझ में नहीं आता। देखो, एक बेटी का घर तोड़ना पड़ेगा, दूसरी का बसाना। कभी कोई मुकम्मल खुशी क्यों नहीं मिली मुझे फारूक मियां? भाई साहब, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपने हमेशा हिम्मत से काम लिया, आइंदा भी आप हिम्मत से ही काम लेंगे। परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा, यही दिलासा तो दे दे रहे हैं सारी जिंदगी। तुम तो जानती हो ना, सिर्फ बाप बन के तो नहीं पाला है मैंने, सिर्फ मां बन के भी पाला है। मगर कितनी अजीब बात है कि मां की ममता का तो जिक्र होता है, कोई बाप की बापता का जिक्र क्यों नहीं करता? कोई मुझसे आके क्यों नहीं पूछता कि बापता क्या चीज होती है? भाई साहब, क्या कर रहे हैं आप? ना करें भाई साहब, रोए मत। बाप है, बेटियों की जिम्मेदारी है, इसलिए आपको ना रोने की इजाजत है ना मरने की इजाजत है। सही कह रहे हो, तुम दोनों तो शक्लें मत बनाओ, अभी काफी है। चलो खुश होते, तुम भी खुश हो, करते हैं फोन उन्हें। आए भाई साहब, भाई साहब, चलो फोन करें। छोड़ो फारूक मियां, छोड़ो। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।